मंगीलाल के लड़का की शादी भाई नवेरिया ब्याह हो, नवेरिया विवाह हुआ तो लड़की वालों ने शर्त रखी कि बारात तो आएगी पर बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। ले अब और बड़ी आफत, बूढ़ा आदमी एक नहीं जाएगा, फूफा मामा हरे सब जन की मुँह तन गई, हम बूढ़े हैं तो क्या हुआ, वो तो वही वाली काले हुए तो क्या हुआ, ऐसे बूढ़े बोले हम लोग बूढ़े हैं तो क्या हुआ, बारात में तो जाएंगे। लड़की वालों ने कहा बारात में अगर एक भी बूढ़ा आदमी आएगा बारात के अनुसार। मंगीलाल का लड़का अपने बाप से बोलो बाप हमारे घर बस जान दे, ना जा मत जा हमारे घर बस जान दे। मंगीलाल बोलो बाहर में जा, जा अकेलो। लेकिन मंगीलाल का बहनोई लड़के का फूफा नहीं माना, बोला हम तो बारात में जाएंगे, बारात कल बिगड़ती हो आज बिगड़ जाए। लड़के लड़का बोले जा बड़ी आफत है। तो एक चतुर लड़का उसमें गया था टिल्लू गुरु, टिल्लू गुरु ने कहा नो प्रॉब्लम, एक काम करो इसको जीप में पीछे बैठा दो, ऊपर से कपड़ा पुटनिया उस ऊपर से सामान रख दो ताकि ये दिखाई ना दे, ये ठीक है। फूफा लड़के का, मंगीलाल के बेटे का फूफा कार में पीछे बैठा दिया, सामान लगा दिया, कपड़े लगा दिए। अब बारात चली तो गांव के नजदीक पहुंची, तो गांव के बाहर पहुंची तो लड़की के पिता ने फिर से खबर भेजी, सुनो लड़के से कह देना अब भावर तब पड़ेगी जो हमारे गांव के बगल से नदी निकलती है उसमें अगर दूध की धार बहा दें तो जो है भावर पड़ेगी, नहीं तो कैंसर। लड़की वालों तो चाहत तो ब्याह हो ही नहीं, अब तो कई अब तो ब्याह कैंसल है, विवाह कैंसल है। बोले क्यों, बोले बताओ कहीं नदी में अच्छा 10-50 किलो हो दूध तो लाउ बना, अब नदी भाव ना दूध की नदी कहां से लाएंगे। तो कहा चलो वापस अब नहीं होनी है शादी। लड़की वाला तो उस पर अड़ गया कि बिना दूध की धार बहे विवाह नहीं होगा। बारात वापस जाने लगी तो लड़कों ने मन में सोचा कि फूफाजू हाँ कहीं हमारे ले रहे हैं और निकाल दो, तो सामान एक तरफ किया, फूफाजू करो। तो फूफाजू ने पूछा क्यों शादी हो गई, बोले कहां भाई शर्त ही विचित्र रख दी। क्या शर्त रखी, जो नदी निकली है उसमें दूध की धार बहाने की शर्त रखी है तब विवाह होगा। तो बोले पर जा क्यों रहे, बोले वापस जा रहे हो ही नहीं पाने। अरे बोले छोटी सी बात है वापसी। लड़कों ने कहा ये छोटी बात है तुम्हें, तो फूफा जी छोटी बात में जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। अरे फूफा जी बोले हो गए, जाओ खबर भेजो, लड़की वालों से कह देना दूध का इंतजाम हो गया, पानी खाली करवा दे। लड़के वालों से कह देना दूध का इंतजाम हो गया, ऐसी दूध की धार बहेगी तो पूरा गांव बह जाएगा, लेकिन पानी खाली करवा। अब लड़की वाले के पास संदेशा लेकर के आए, बोले दूध का इंतजाम हो गया पानी खाली करवाओ। तो लड़की वालों ने पूछा और तो सब ठीक है, जे बताओ इस लड़कों में कोई बूढ़ा तो नहीं है। तो किसी ने कहा क्यों, बोले ये दिमाग जवानों में तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई जरूर बूढ़ा उसमें छिपा होगा, पर फूफाजी उसमें पकड़े गए। बोलो सीताराम। और मंगीलाल के लड़का की फिर चंगिया मंगिया भाई, सात भावने परी और इलू इलू वालों को ब्याह संपन्न होगा।